काले गोरे में भेदभाव पार्ट वन। तो गाइस देखते हैं कैसी वीडियो है। तो क्या है, काला कौन है, गोरा कौन है, इनमें से देखते हैं कि क्या सीन यार है, क्या काला गोरा अमीर गरीब ये सब तो खैर अल्लाह ने बनाया, ऐसा नहीं वो करना चाहिए कि यार ये काला वैसे ही है। तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। बेटा ये लो दूध मलाई, इसको ना अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लो। मम्मा पर दूध मलाई क्यों? अरे बेटा इसको लगाकर आप भी अनान्या दीदी की तरह चमक जाओगे, ठीक है? लगा लो अच्छे से रगड़ के लगाना, हाथों पैरों पे मुंह पर। मम्मा इसमें से तो बहुत स्मेल आ रही है। स्मेल को छोड़ो इस वक्त, इसको लगाओ और अपने चेहरे को बिल्कुल गोरा कर दो। तुझे गोरा होना है कि नहीं होना? और गोरी होके मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखेगी। मम्मा तो क्या मैं अभी सुंदर नहीं हूँ? खुद शीशे में देख ले, अपने आप पता चल जाएगा। अरे वाह, कैसी नूर जैसे चमक रही है मेरी बेटी। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। ओहो, अरे कहाँ जाने की तैयारी है भाई? कहीं नहीं पापा। अरे तुमने इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, पूरी फिट एकदम तैयार हो, मुझे लगा कहीं जा रहे हो। अरे रमनीक हमारी बेटी है इतनी गोरी चिट्टी सुंदर, कुछ भी कपड़े पहन ले ये सुंदर ही लगती है। सही कहा तुमने। और एक वो शनाया है, उसको जितने मर्जी नए कपड़े ले दो पुराना पोछा लगने लग जाता है। मम्मा। हाँ जी बेटा। मैंने ना दूध और मलाई फेस पे लगा ली और उसके बाद फेस भी वॉश कर लिया। अच्छा दिखाओ दिखाओ। क्या शनाया तुम इतनी काली हो, कुछ भी लगा लो कोई असर नहीं हो रहा। चलो तुम जाओ यहाँ से, इसको रसोई में रख दो। अरे इतनी कठोर मत हुआ करो अपनी बच्ची के साथ। रमनी प्लीज, हाँ प्लीज, इसको तो कहीं बाहर लेकर जाने में भी मुझे शर्म आती है। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे क्या गोरे गोरे सुंदर सुंदर, और एक ये अकेली काली, मेरे तो अनाने और सियान भी इतने बोरे हैं, ये इकलौती अकेली काली कहाँ से आ गई मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रमनी मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कहीं हॉस्पिटल में बदली तो नहीं हो गई। क्या बकवास कर रही हो पुनीत, अपनी बच्ची के बारे में कभी कोई ऐसा बोलता है क्या? Later that same evening. शिनाया, मम्मा गोरे को मॉल लेके जा रही है, तू चलेगी? मम्मा मुझे नहीं लेके जाएंगी, वो मेरे को कहीं नहीं लेके जाती, वो मेरे साथ भी होती है तो उनकी इंसल्ट हो जाती है ना। चल ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? कुछ चाहिए वहां से? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोरे होने वाली क्रीम ले आए। एक बात बताऊ? हाँ बताओ। क्लास में ना मैम पूछ रही थी कि ब्लैक वाले चीजें बताओ। हाँ तो तूने क्या बोला? मैंने बोला शिना दीदी। चल चल चलते हैं, लेट हो जाएंगे। हाँ जी।
Later. आज तो बहुत थक गए हाँ। अरे क्या बात है, लगता आज तो खूब शॉपिंग करी तुम लोगों ने। हाँ आज तो बहुत मजा आया। बच्चे इतने दिनों से बोल रहे थे कि मॉल जाना है, नए कपड़े लेने हैं, तो आज मैंने कहा लो आज हम शॉपिंग ही करते हैं। क्या बात है क्या बात है। और शनाया के नए कपड़े? शनाया? शनाया क्या करेगी नए कपड़े पहनकर? अनाना के जो पुराने कपड़े हो जाते हैं वो शनाया पहन लेगी। पुराने कपड़े और क्या, वो इसी लायक है। हाँ बेटा आप जाओ अपनी अलमारी में नए वाले कपड़े सेट करो, और जो पुराने कपड़े हैं जो तुम नहीं पहनना चाहती वो शनाया को दे दो। जाओ। सगी बहन है। ओहो अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, आज रात को मेरी फ्रेंड पूनम घर पे आने वाली है। शनाया तुम अपने कमरे में ही रहना और बाहर आने की सोचना भी मत। और मैं मम्मा? तुम तो आना बेटा, पूनम आंटी से मिलना, उनको भी तो पता चले मेरा बेटा कितना स्मार्ट गोरा चिट्टा है। और मम्मा मैं अपनी नई शर्ट पहन के आऊंगा। ओ हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अपनी नई शर्ट पहन कर आना। मैं ना अनाना को भी बोल दूंगी अपनी न्यू ड्रेस पहन कर आएगी। मम्मा क्या मैं न्यू ड्रेस पहन के बाहर आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, नई ड्रेस पहन के भी लगोगी तो तुम बदसूरत ही ना, तो नई ड्रेस को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर आने की सोचना भी मत, कमरे में कोई बुक शुक पढ़ लेना ठीक है। Later. आज तो खाने का मजा ही आ गया है ना। क्या बात है रमनी, आपका मूड क्यों ऑफ है, क्या बात है, क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे खाने की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी फ्रेंड पूनम बार बार पूछ रही थी कि शनाया कहाँ है, शनाया कहाँ है, और तुमने शनाया को कमरे से बाहर नहीं आने दिया, उसको मिलने नहीं दिया पूनम से। तो क्या करूं, उस काली लड़की को अपनी फ्रेंड के सामने जाके खड़ा कर दूं और अपनी बेइज्जती कराओ? पुनीत वो काली है तो क्या हुआ, है तो हमारी बेटी ही ना। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे कि वो काली लड़की मेरी बेटी बन के आई है। जो भगवान ने उस काली को मेरी बेटी बना दिया, बेटी बना दिया, बेटी बना दिया। मेरी वजह से मम्मा की बहुत बेइज्जती होती है ना, तो मेरे को उनको सॉरी कह देना चाहिए। मैं मम्मा के लिए ना ऐसा करती हूँ, सॉरी कार्ड बनाती हूँ। पुनीत बोलने से पहले सोच तो लिया करो, वो तुम्हारी बेटी है। रमनीत मैं आपको बता नहीं सकती मुझे उसको देखकर कितना गुस्सा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे वो काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है कि वो काली बदसूरत लड़की मेरी बेटी है? और आप क्या चाहते हो, मैं काली बदसूरत लड़की को अपने फ्रेंड पूनम के सामने ले आती और मेरा मजाक उड़ाती? I am sorry, mamma. ये क्या बकवास नाटक है? खुद ही बेइज्जती करवाने आ रही है।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बच्चों पे प्रेशर, सही या गलत, गाइस पार्ट 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। आपने क्या डिसाइड किया, सही है या गलत है? वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है। ओहो शाम काले गोरे में भेद भेदभाव तो सही यार, वो उसकी अपनी बेटी सगी बेटी उसके साथ वो ऐसा कर रही है तो यार गलत बात है। ये नेचुरली एक गॉड गिफ्ट होता है, किसी कोई काला तो कोई गोरा, ऐसे तो हम भी कहते हैं बाहर के मुल्क में कितने काले होते हैं, लेकिन वहाँ जितना ज़्यादा काला होता है ना, वो कहते हैं यही सबसे ज़्यादा मतलब खूबसूरत खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती है तो जो सबसे ज़्यादा काला होगा ना वही मतलब खूबसूरत होगा, और हमारे यहाँ जो ज़्यादा गोरा होगा वो खूबसूरत, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, हाँ सही बात। अजीब पागल लोग हैं अपने, अब अपनी बेटी को देखो किस तरह। खैर वो तो उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन ऐसे सच में भी होता है। होता है, हाँ करते हैं करने वाले, तो प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है, काला या गोरा ये सिर्फ अल्लाह ने बनाया और क्या। तो खैर कोई नहीं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।